हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट सॉलिड स्टेट फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें हम सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स को रखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे आपको इन फॉर्मुलों को ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम में जिससे आप एक बेटर रिजल्ट को ला सकते हैं चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की देखो तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो आपको पता है सॉलिड स्टेट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं पहला होता है सॉलिड जो एक टाइप होता है क्रिस्टलाइन दूसरा होता है उनका नेचर होता है, मतलब है कि कि प्रॉपर्टीज हो चेंज विद डायरेक्शन एंड एमार्फस आइसो होते हैं मतलब प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन एंड टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अगर हम यूनिट सेल की बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की तो इसमें चार टाइप के होते हैं प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ एटम होते कितने होते है? Sorry, primitive में number of होते हैं सॉरी में two, and face centered में four, and end centered में में नंबर ऑफ एटम बॉडी एंड 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 फेस सेंटर आपको ध्यान ये रखना है कि एंड सेंटर जो है वो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एटम आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम की बात करेगा तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं तो मिस्टेक नहीं करनी है कि सिलेबस में नहीं है एनसीआर में दिया हुआ है ठीक है आपसे हाँ अलग बात है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ सकते कुछ चीजें वो पूछ सकता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है और अगर हम बात करें रिलेशन रिलेशन बिटवीन ए ए एंड एंड आर आर के बीच अगर हम देखें तो ए एंड आर के बीच क्या रिलेशन होगा चलिए बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट में हम ए एंड आर के बीच का रिलेशन देखते हैं जैसे पहला है कि प्रिमिटिव में एजक्वल टू टू आर होता है आपको पता है सारी चीजें और बॉडी सेंटर में फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए एंड फेस सेंटर में होता है और एंड सेंटर आपके सिलेबस में नहीं है, Packing fraction है तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर प्रोर परसेंट देखो फ्रैक्शन के बाद पैकिंग स्पेस के विषय तो में पूछ सकता है तो वो ध्यान देना कि पैकिंग फ्रैक्शन को हंड्रेड से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू पॉइंट फोर तो जो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा कितना फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स तो ये एम्प्टी स्पेस होगा प्रिमटिव में और अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर की तो चलो बॉडी सेंटर में जरा देखो बहुत आसान सी बात है पूछता तो है बॉडी सेंटर में कितना है सिक्सटी एट परसेंट और फेस्थ सेंटर ये आपके सिलेबस में नहीं है सेंटर नंबर हम बात करते हैं कि प्रेम सेल का नंबर कितना होता है सिक्स मतलब कॉर्डिनेशन नंबर क्या होता है एक आइटम को कितना आइटम सराउंड करे जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये यह, देखो बीच में ये पेन है एक, तो एक दो तीन चार पांच पांच आइटम ऐसे है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फाइव हो गया दैट फाइव क्या कर रहे हैं अरेंज कर करें तो ये ध्यान देना कि कितने एटम अरेंज करते हैं यही आपका कहलाता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर का एट होता है फेस सेंटर का ट्वेल्व और एंड सेंटर आपको सिलेबस में नहीं है ये तो चीजें आपको ध्यान में रखनी है बहुत आसान आसान से टॉपिक है इसके बाद जो हमको पढ़ना होता था क्लोज पैकिंग क्लोज क्लोज पैकिंग पैकिंग देखो में कई सारी बातें होती है जो एग्जाम से पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अब वो आपको याद है जैसे वन डायमेंशन वन डायमेंशन का मतलब आप एटम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अरेंज करोगे जब आप एटम को एक ही डायरेक्शन में अरेंज करोगे बताओ ये एटम एटम कितने item से सर्कल हो रहा है एटम दो एटम से एक इससे और एक इससे तो जब एटम मैंने अभी आपको बताया कोई भी एटम कितने एटम से सराउंड होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो जब ये दो एटम से आपका सराउंड हो रहा है तो दो एटम से सराउंड होता है कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर टू ठीक है इसके बाद बात करते हैं हम टू डायमेंशन में देखो टू डायमेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ना इनको देखो पहले हमने मान लो किसी फ्रेंड के यहाँ बर्थडे में गए हुए हैं तो बलून को हमने ऐसे 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 और एक के नीचे ऐसे अरेंज किया अरेंज कर दिया तो अब देखोगे ये क्या बना रहे होंगे स्क्वायर बना रहे हैं क्या बना रहे हैं स्क्वायर बना, बना रहे हैं और इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए ए टाइप ए, ए ए ए टाइप क्योंकि ए लेयर आ रही ना ए लेयर ए लेयर ए लेयर इसका पैकिंग फ्रिक्शन होता है पाई बाई आपको डायरेक्ट याद रखना है ये रिविजन लेक्चर है यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं ठीक है तो आपको एकदम इसे, एकदम इसे अच्छे से आपको याद रखना है कैसे याद रखोगे कि आपको पूरा एकदम मैं यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी चीजें लेके आ रहा हूँ आपको ध्यान देना है वीडियो को और अच्छे से रिवाइज करना है और इसके बाद बात करता हूँ कि जब हम इसी लेयर को पहले एक लेयर हो गई तो इन दो बॉल के बीच में ऐसे देखो एक ये है मान लो आपका और एक ये है ठीक है इसके बीच में अगर आप एक लेयर डालते हो तो इसको कहते हैं बी लेयर तो एबी बी टाइप अरेंजमेंट जब तो इसको अरेंज कर शॉर्ट नोट्स होगा और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ठीक है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो ये हुए पैकिंग फ्रेक्शन कहाँ पे आपको निकालना है क्लोज पैकिंग हो गई

ठीक है ऐसे हम आपको चलिए बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री की जो क्लोज पैकिंग इन थ्री होती है वो दो तरीके से होती है अभी हमारे पास दो पैकिंग आई थी एक आई थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी आई थी क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं पहला कि हम ए ए लेयर को अरेंज कर दें या फिर हम ए बी ए बी लेयर को अरेंज कर दें ठीक है तो आपको ध्यान देना देखो मैं डिटेल में एकदम नहीं जा रहा हूँ आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव औग्जे, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसकी सिर्फ बात करें वो आपको ध्यान में रखना है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें भूल जाओ ये पॉइंट्स तो आपको याद रहने चाहिए साथ में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और उसको एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन कर लेने हैं जिससे आपको एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए ठीक है चलिए बात करते हैं इसकी हम तो ए बी ये होता है ए टाइप या क्या लगता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जब आप क्या करते हो ए ही टाइप लेयर को स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंज करते हो तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और ए बी ए बी बी को करोगे कौन सा बनेगा बीसी स्ट्रक्चर कैसा बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और वहीं अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो देखो इसमें दो तरीके का होता है एक होता है ए बी ए बी और दूसरा होता है ए ए बी सी ए बी सी अच्छा हेक्सागोनल में ए बी ए बी क्यों है ए क्यों नहीं है भैया वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारी टू में थी एक ही लेयर में थी मतलब एक ही एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस इस तरीके से जबकि अगर हम बात करें ए बी हेक्सागन में हेक्सागन बनाना है छह टर्म लाने पड़ेंगे एक लेयर है और एक लेयर भी इस तरीके से लानी पड़ेगी ऐसे तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें ए बी ए बी ए बी होगा तो आपका ये होगा और ए बी सी ए बी सी होगा तो आपका एफ सी सी बनेगा देखो ए बी ए बी होगा तो एफ सी पी हेक्सा घर क्लोज पैकिंग और एबी सेबी सी होगा तो कौन बनेगा ठीक है तो आपको ये थोड़ी बातें ध्यान रखनी है अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर किसी भी में में अगर किसी भी एटम में, मतलब एटम, किसी भी भी मतलब मॉलिक्यूल या कुछ देता है आपको नंबर ऑफ एटम कितना देता है एन किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने N. अगर एटम N है, तो उसमें जो वाइड होगी कितनी होगी टू एन वाइड कितनी होगी वो एन होगी अब सर इसका यूज कैसे होता है देखो इसका यूज बहुत सिंपल सा है उसकी बात हम कर लेते हैं बहुत आसान से इसमें पूछा जाता है जैसे आपसे पूछेगा कि ए फॉर्म क्या बनाता है एफसीसी बनाता है बी जो है कहा जाता है टेट्राहेड्रल पर आपको बताना है ए बनाता है एफ सी सी लेटिस बी जाता है टेट्राहेड्रल वाइट्स पर बी कहा जाता है टेट्राहेड्रल वाइट्स पर देन व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए बी मतलब आपका इसको बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा इसका ए बी का ए बी के टर्म में देखो ए बी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ए ए में A में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए देखिए आपका सही होता है गलत कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने ये सही निकाला था कि नहीं निकाला था क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है कि नहीं है देखो एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होते कितने होते हैं फोर अच्छा एक बात उसने बता दिया नंबर ऑफ एटम अब हमको पता है अगर नंबर ऑफ एटम है फोर यहाँ देखो नंबर ऑफ है एन तो ट्रेट्रेड कितने, ट्रेट कितने फॉर्मुलतनाट अब देखो होगा क्या कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे ए सर, तो ऑप्शन में नहीं था अरे भाई मेरे ए फोर बी एट ऑप्शन में ना होगा लेकिन ए बी टू तो होगा इसको आपको मैथ्स के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है फोर से कर क्या होगा ए बी टू तो हो सकता है आपको ए फोर बी एट भी मिल जाए या फिर आपको ए बी टू मिले तो आपको ये ध्यान देना है ठीक है चलो यहां से चलते हैं आगे देखो एक होता है रेडियस रूल रेडियस रेशियो रूल ये जो रेडियस रेशियो रूल होता है ना ये बताता है कि इस रेंज के रेडियस के बीच में जैसे रेडियस रूल हम लेते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस पर देते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस पर तो रेडियस रूल हमको ये बताता है कि भाई साहब ये जो रेडियस रूल है उसमें किसी भी वाइट्स की स्पेस क्या होगी जगह क्या होगी किसी कैटाइन में किसी की स्पेस क्या होगा क्योंकि कैटाइन का तो फिक्स है हमने बोला हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो हम घर में टेट्राहेड्रल में आके रहेंगे लेकिन जो नहीं बताया वो कहाँ रहेगा जो हर दिन आप पे डिपेंड है तो वो कैसे करेगा इसी चीज को समझते हैं आइए जरा हम थोड़ा सा इस केस में इसको को ध्यान रखना है अगर रेडियस रेशियो क्या होता है कैटाइन का साइज अपॉन एनआईन का साइज अगर ये वैल्यू जीरो पॉइंट वन वन फाइव से जीरो पॉइंट टू टू फाइव देखो ये वैल्यू आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए फुल्ली एकदम फुल फुल फ्लो फुल, फुल, फुल फ्लो में लर्न होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सके सर हमें छोड़ गया था ये होगा क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आपको रेडियस रेशियो देगा तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा तो आप वाइट्स पता कर सकते हो अगर आप फिर वाइट्स पता कर सकते हो तो आप नंबर ऑफ एटम वगैरह आराम से पता कर सकते हो तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि रेडियस रेशियो मेंटेन रखना है इसे और अच्छे से दिमाग में ध्यान बिठा के रखना है ऐसा भी ना किसी बच्चों को मार्क्स देने के चक्कर पता है रेडियस रेशियो माइनस में आ जाए या वैल्यू बहुत कम आ जाए ठीक है चलिए तो आगे चलते हैं तो अगर वैल्यू जीरो पॉइंट वन वन फाइव से जीरो पॉइंट टू टू फाइव है तो कॉर्डिनेशन नंबर कितना होगा थ्री से वाइस कैसे होगी ट्रेंगुलर ऐसे टाइप की होगी ट्रेंगुलर टाइप की ट्रेंगल बना रही होंगी जीरो पॉइंट टू टू फाइव से जीरो पॉइंट फोर वन फोर अच्छा अगर कहीं हमको रेडियस रेशियो लेना है कहीं जरूरत पड़ गई मान लो तो हमको मिनिमम वाला लेना है मैक्सिमम वाला नहीं दो ही ले सकते हो एक मिनिमम एक मैक्सिमम कौन सा लेना है मिनिमम लेना है ठीक है चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका टू शेप कैसे होगा ट्रेंगुलर मतलब वाइज कैसे होंगे ट्रेंगुलर

कहीं गलत होने के चांसेस होंगे ही नहीं होगा क्योंकि लेकिन हाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वर्क करना है नहीं कर रहे हम कंटेंट पे कंटेंट आप वीडियो ही नहीं देखते हो देते हो पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखो आपको स्टेट के थेरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात की गारंटी है ठीक है आप देखोगे नहीं चलो नेम रेडियस नंबर अच्छा अगर ये है तो क्या क्या हो सकता लिखो. है चलिए देखो अगर एन एस सी एल है रेडियो कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव टू फोर नंबर सिक्स टू सिक्स और जो क्रिस्टल्स है सी एल माइनस एफ सी 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 एल माइनस क्या बनाएगा एफ सी 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 एस सी एल में आ जाओ रेडियस रेडियो कितना जीरो पॉइंट फोर नाइन थ्री जीरो नाइन थ्री थ्री नंबर एट क्रिस्टल कौन यहाँ पे सीएल माइनस बी सी सी बॉडी सेंटर फ्लोराइड फ्लोराइड कोई रेडीज रूल नहीं होता है क्वेश्चन एच एक्स टू फोर है सी ए प्लस टू एफ सी सी एंटी फ्लोराइड एन ए टूसिट एच एस टू फोर वो माइनस टू एंड एफ सीसी के बीच बनता है ठीक है क्या ध्यान देना एन ए प्लस होल्स बनाता है जबकि एफ माइनस बी जो है ट्रेट्रा हेड्रेल होल्स बनाता है तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से तो क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जिसे हम समझते हैं कि छोटी है और कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है देखो अगर बात करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड तो सॉलिड डिफेक्ट हो कितने पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट देखो जब किसी पॉइंट के अराउंड हम जाएंगे यहाँ पे जो डिफेंट आएगा डिफेक्ट आएगा उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं ठीक है और अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है ठीक है अगर इसके अराउंड डिफेक्ट आ जाए क्या कहेंगे लाइन डिफेक्ट कहेंगे मतलब लाइन डिफेक्ट कहते हैं तो हमारे सिलेबस में जो है कौन है पॉइंट डिफेक्ट और ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ये जो पॉइंट डिफेक्ट है अपना ये ठीक है ये स्टाइक्योमेट्रिक भी मतलब बताया है और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक भी बताया है ठीक है तो हम चलते बात कर लेते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक क्या होते हैं नॉन क्या होते हैं जिसमें फॉर्मूला चेंज ना हो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला चेंज भी हो जाए पर प्रॉपर्टी चेंज ना हो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट की स्टाइक्योमेट्रिक की अगर हम बात करें स्टाइक्योमेट्रिक है ये शॉर्ट की और फ्रेंकल शॉर्ट की में क्या होता है एजी जी बी आर फ्रेंकल में क्या होता है ए जीबी है देखो सॉर्टकी में क्या होता है जैसे मान लो ये कोई यहाँ पे ध्यान से देखो ठीक है जरा ध्यान से देखना मान लो एक कोई एटम ए है वो अरेंज है ए के साथ ये है इस टाइप का ठीक है तो क्या करना है यहाँ से एक पुट करना है उसको बाहर निकाल देना है इक्वल कटाई नहीं लेना है ये बी होगा आपका ये बी होगा ठीक है एक बी और एक, एक ए निकाल के कहीं भी आप शिफ्ट कर लीजिए ठीक है स में क्या होगा डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपको निकालना पड़ा इसमें से शॉर्ट तो की डिफेक्ट कहलाता है फ्रेंकल में क्या है एजी बी आर मतलब रुक कुछ भी नहीं आराम से एकदम फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है एजी बी आर जिसमें क्या होता है डेंसिटी सेम होती है क्या रहती है सेम रहती है जबकि शॉर्ट की में क्या होता है कम होती है बाकी सबके केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती ही है अगर हम नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें इसमें पहला होता है मेटल एक्सेस दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी मेटल एक्सेस का मतलब जिसके पास मेटल का देखो दो चीजें होती हैं अगर मेटल एक्सेस करना है तो आप एनआईन को निकाल लो नॉन मेटल को या मेटल को इनपुट कर दो तो ज्यादा आसान होता है मेटल को इनपुट कर दो तो क्या करो एड वो एड जेड एन जेड एन एड कर दो रिमूव एन ठीक है एनआईन को क्या करो रिमूव जो एन रिमूव करते हैं हम ऐड करने को हमारा एग्जाम्पल क्या होता है जेड एन ठीक है रिमूव अगर हम रिमूव करते हैं एनआईन को तो क्या होगा एफ सेंटर एफ सेंटर वो एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है एनएससीएल एल के लिए एन एस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ठीक है अपने लिए नहीं होता है इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कई तरीके के इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो वैलेंस बैंड और कलेक्शन बैंड में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है सेमीकंडक्टर में ज्यादा होता है और इंसुलेटर में भी ज्यादा तो होता है ठीक है तो में इतना ज्यादा कंडक्शन से ज्यादा हो बाकी किसी से भी ज्यादा नहीं होता वो तो अपनी जगह देखो अगर हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की बैंड होते हैं होता पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है जहां से इलेक्ट्रॉन स्विच करके कहा जाएंगे कंडक्शन बैंड में अब इलेक्ट्रॉन ध्यान देना अब इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से स्विच कर पाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उतनी आसानी से हमको क्या होगी वो रिएक्शन को शो करेगा लेकिन नहीं कर पाता है इतने मतलब एक में कर पाता है कंडक्शन बैंड में बाकी ना तो सेमी कंडक्टर में कर पाता है ना इंसुलेटर में क्या होता है कि इसमें इन दोनों में थोड़ा एनर्जी गैप क्या होता है ज्यादा हो जाता है ये रहा आपका कंडक्शन बैंक बैलेंस बैंड कोई भी कलर नहीं आता कोई भी रिएक्शन नहीं होती इसके बाद कौन है आपका इंसुलेटर ठीक है इंसुलेटर क्या होता है आपको पता है यहाँ पे ए और बी आपने अरेंज कर दिया ठीक है ठीक है तो इनमें क्या होता है कि जो ये, कर, ये आपका है सीबी मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है हम कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देखिए यहां से इसको शिफ्ट यहाँ नहीं करवाएंगे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाते हैं यही कंडीशन सेमी कंडक्टर के साथ भी है जिसमें बैलेंस और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते तो हैं पर बहुत कम जाते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम डोपिंग करा सकते हैं किसकी एन टाइप की और पी टाइप की इसमें हम क्या करेंगे डोपिंग कराएंगे डोपिंग का मतलब किसी को हटा के कोई फिट करेंगे जिससे उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी बढ़ जाए आइए देखते हैं क्या होता है डोपिंग देखो अब हम क्या करेंगे कि, कि किसी भी सिलिका मतलब ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट चाहे सिलिकॉन ले लो ठीक है इससे हम क्या करेंगे इस ये सब बना हुआ देखो सिलिकॉन ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ठीक है अगर आप इसे इरेज कर दो यहां से चार तरफ से जुड़ा ही हुआ है ना? चार तरफ से जुड़ा हुआ है एक दो तीन चार यहां से हम क्या करते हैं यहां से हम इसकी जगह सिलिका की जगह कोई भी पीट मतलब फास्फोरस को ले लेते हैं बस सिर्फ फास्फोरस को चार हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया

ये चैप्टर का शॉर्ट नोट शॉर्ट वीडियो पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है चलिए आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की देखो सॉलिड स्टेट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपने देखा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इन सबसे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं पर एक बार एक नजर आप देख लो जिससे आपको आपको लॉस कहीं से भी ना हो मेरी तरफ से जिससे आपको लॉस ना होने पाए आप अच्छा करके हो एग्जाम में ठीक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक एंटी फेरोगनेटिक और फेरी मैगनेटिज्म जो पैरामिनिट होता है ये वीकली अटैच होते, है होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से मतलब जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे बहुत थोड़ा सा अटैच होते हैं जबकि डायमैग्नेटिक क्या होता है रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या है कि किसी की कुछ भी डायरेक्शन हो ठीक है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इस सबको एक ही डायरेक्शन में आ जाना है तीके? इस तरीके से ठीक तDay... है इसके बाद आपका एंटी मैग्नेटिक एंटी मैग्नेटिकोमैग्नेट क्या होता है जितने भी ऊपर होते हैं ठीक है एंटी एंटीफर्मिम क्या होता है जितने ऊपर मान लो कुछ ज्यादा ऊपर आ गए तो कुछ नीचे आ जाएंगे एक दो लेकिन ये न्यूट्रल नहीं रहेगा ये डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट में कैसा दिया हुआ है कितने ऊपर कितने नीचे जीरो हो भी सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है फेरी मैग्नेटिज्म मतलब कि एक फेरी मैग्नेटिज्म मतलब कोई जो, जो कि मान लो एक एटम है एक इसका अपोजिट एटम एक एटम है इसका अपोजिटम मतलब इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट पेयर्स रखने आपको कपड़े के ठीक है तो यहाँ पे जो आपका सोलिसन पार्ट है वो डन हुआ ठीक है ठीक है बाकी आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो लेकिन एक बार नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री